और बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं, अभी जो हमने बनाया है इसकी कॉस्ट मुझे बताओ कि तुमने जो ये बनाया है, यू आर लाइव एट द मोमेंट, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, ध्यान रखना. तो ये बताओ कि ये विचार कैसे आया तुम्हारे स्टूडेंट का नाम बताओ. ये स्टूडेंट हमारे फाइनल ईयर के. क्या नाम सर उनका? सबका तो नाम नहीं है. एक आज का नाम बताओ. अंकित परमार. अंकित परमार, ठीक है. कौन से कॉलेज के? SPIT, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. और मैं इनका गाइड भी नहीं था. अच्छा, गाइड इज अनदर वन, आई हैव टू एक्नॉलेज देम. क्या नाम है उनका गाइड? मेहुल. अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि आपने किसी और गाइड का प्रोजेक्ट चुना है. This quality of a teacher to pick up good examples from other teachers is a wonderful quality. It breeds collegiality and also makes us humble and develops pride in good things, no matter who develops them. Yes. ये बहुत अच्छी बात है. तो ये बताइए, ये आइडिया कैसे आया बच्चे को? वो सर एक basically medical camp की आइडिया है. उस कहीं पे medical camp लगा हुआ था, तो उन्होंने ऐसा देखा, countryside area में basically medical camp था, तो उन्होंने ऐसा देखा, basically उन्होंने फिर किया कि उनको अगर पानी चाहिए तो ठंडा पानी गाँव में नहीं मिलता क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है और सोर्सेज भी नहीं है. तो उन्होंने उनसे बात किया कि ऐसा कुछ बना सकते हो क्या. तो स्टूडेंट ने ऐसा सोचा कि हमें एनर्जी तो चाहिए कहीं से, लाइट नहीं है वहाँ पे, जनरेटर नहीं है, तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे. तो इसलिए उन्होंने ऐसा आइडिया सोच के ये जनरेट किया. तो ये बताओ कितना टेम्परेचर कम करता है एंबिएंट टेम्परेचर से? सर जो हमने एनर्जेटिकल कैलकुलेशन किया था उसमें ऐसा देखा गया कि अगर जो जो हम सिस्टम लगाए अगर वो प्रॉपरली वर्क करता है एफिशिएंटली, तो 10 टू 15 डिग्री टेम्परेचर ग्रेडियंट वी में क्रिएट, मतलब अगर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 30 है तो 20 अराउंड ला सकते हैं. बहुत ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं आएगा बिकॉज द कंप्रेसर कैपेसिटी इज वेरी लो. अगर ज्यादा कंप्रेसर कैपेसिटी लगाएंगे तो साइकिल चलेगी नहीं, तो उसको प्रॉब्लम क्या है, इतना भारी साइकिल कौन चलाएगा. कितनी देर लगेगी 10 डिग्री ग्रेडियंट को करने में? कितना टाइम लगेगा, कितने देर साइकिलिंग करनी पड़ेगी? सर ये टाइम के कैलकुलेशन नहीं किया. अच्छा, और ये बताइए कि ये ठंडक हम पैदा कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं? वेसल में कर रहे हैं, पाइप में? सर ये लगा हुआ है वेसल, ये सिंगल, जैसे हम घर में जो फ्रिज होता है दैट इज द मल्टी इवेपोरेटर. हमारे पास एक फ्रिजिंग का केबिल होता है उसमें अलग इवेपोरेटर होता है, नीचे पानी का होता है उसमें अलग इवेपोरेटर होता है, हर जगह पर छोटे वाल्व लगे होते हैं, अलग अलग प्रेशर के रेफ्रिजरेंट सप्लाई होते हैं. इसमें जो रेफ्रिजरेंट है ज्यादा, हमने जो कैलकुलेशन किया वो ज्यादा एफिशिएंट रेफ्रिजरेंट इसमें वर्क कर सकता है R12, बट अभी R12 टू जो ओजोन लेयर डेटा तो वो वास आउट हो गया, तो उसके जगह पे जो रिप्लेसमेंट है R134a वो है. तो ये जो हमने क्रीम लगाया ना व्हाइट कलर का, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की ट्यूब्स लगी हुई है, इन साइड रेफ्रिजरेटर की ट्यूब्स लगी हुई है और ये सिस्टम है. तो वहां से वो जो भी आप खाना रखते हो एटमोस्फेयर टेम्परेचर पर होगा उससे वो हीट अब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो होगा इन साइड वो एटमोस्फेयर टेम्परेचर से कम होगा, तो इतना टेम्परेचर ग्रेडियंट आ सकता है 10 to 15 डिग्री के अराउंड. बहुत बढ़िया. ये जो है अगर हमको कोई दवाई कम टेम्परेचर पर रखनी है और वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है तो वहाँ काम आ सकता है ना? और क्या काम आ सकता है ये जल्दी बताइए. हाँ, कैंडी बेचने वाले को, साइकिल पर कैंडी बेचता है ना उसको, जो बेचता है उसको काम आ सकता है कंजम्पशन के लिए. और क्या काम आ सकता है? फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के लिए काम आ सकता है. किस चीज का? पोलियो इंजेक्शन के लिए, जो लेके इंजेक्शन के लिए जो कोल्ड चेन वाली पड़ती है वहाँ बड़ी दिक्कत आती है रिमोट एरियाज में, वहाँ कोल्ड चेन में काम सकता है. सर पोलियो की दवाई जो गांव में ले जानी पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए क्योंकि वो पॉइजन हो जाती है, तो इसके लिए वो काम आ सकता है भाई. और बताइए. कर लो उसी से, कर लो. उसमें टेम्परेचर कहीं ज्यादा है, बताओ कितना
नहीं पता है, तो वो पता होना चाहिए. देयर इज अ स्टूडेंट इन हैदराबाद हु वाज अर्लियर एट एमआईटी. ही मेड ए सिस्टम बाय व्हिच इन अ फ्यू सेकंड्स यू कैन गेट टेंपरेचर कूलिंग टू द इफेक्ट ऑफ 4 टू 5 डिग्रीज कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ अबाउट 60 टू 70 डिग्रीज जस्ट बाय चेंजिंग द चार्ज. तो मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे बुजुर्गों के लिए, किसी को चोट लग जाए किसी गाय के लिए, देयर आर मल्टीपल यूजेस दैट वी कैन थिंक अबाउट दिस. देखा है कहाँ पर, कहाँ का स्टूडेंट किया बता मेरे को. ऐसे नहीं है, देखो मैं तो मास्टर आदमी हूँ, पूछता हूँ भाई, मैं छोड़ता नहीं हूँ. देखो टेकपीडिया डॉट इन जस्ट राइट. हाँ इस पर आ जाओ, सर्च में आ जाओ, राइट हैंड साइड पर जल इस पर इसको छोड़ दो. हाँ राइट पे, राइट में आ जाओ, सर्च में आओ, नीचे आओ सर्च. यहाँ पर विंडो है ना, इधर यहाँ लिखो, यहाँ लिखो साइकिल और रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेटर. मैंने ऐसा पूरा लिखा साइकिल ऑपरेटर. अभी अभी करो उसको. सो देयर इज अ स्टूडेंट, थ्री स्टूडेंट द पॉलिटेक्निक इन महाराष्ट्र, अभी वो आएगा. He, they have been able to reduce temperature to 8 degrees centigrade by cycle run compressor in 30 minutes. 30 minutes mein 8 degree temperature laate hain, wo 35 degree se. 35 degree room ka temperature jo hai generally 32 se 35 hoga na. Wahan se wo 8 degree pe laate hain, aadha ghante cycling karke. Aa raha hai abhi, thoda der mein aa jayega. So what I'm saying is the reason why I want you to use this platform is the one that we are seeing now, techpedia.in. ये देखिए कहाँ का है ये, अभी आ जाओ, चलो थोड़ा ऊपर आओ, नीचे नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. बाइसिकल लिखना चाहिए मेरे को, नासिक का है वो कहीं का, सांगली आया नहीं आया अभी. और चलो सांगली लिखो, वहाँ सांगली लिखो जरा, आई थिंक इट इज़ सांगली. सांगली लिखो, सांगली यहाँ सर्च करो, यहाँ पर हाँ नीचे 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 नीचे, यस सांगली लिखो, एस ए एन जी एल आई, और उसके बाद लिखो बाइसिकल, बाइसिकल स्पेस दिया बीच में, सेफ स्पेस दे दिया, जस्ट पुट डॉट. एंड दिस इज techpedia.in दैट वी आर सीइंग, techpedia.org. यहाँ पर 2 लाख प्रोजेक्ट की जानकारी है, 5.5 लाख विद्यार्थियों द्वारा उनका ज्ञान को एकत्रित किया गया है. अगर हमारे सब विद्यार्थी इस पर सर्च करेंगे, कोई विद्यार्थी वो नहीं करेगा जो हो चुका है या जहाँ तक हो चुका है. यू विल ट्राई टू डू बेटर देन व्हाट हैज बीन डन. 2 लाख प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, 2 लाख, 5.5 लाख विद्यार्थियों के माइंड को मैप किया हमने. क्यों किया? वी डोंट वॉन्ट एनी स्टूडेंट ऑफ आर कंट्री टू डू वॉट हैज बीन डन बिफोर. हम मौलिकता